तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते नमस्कार। खुद उम्मीदा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दाग ब्लड सूरीनाम से निकालकर हम आपके सामने रख रहे हैं। बता दें कि आज बीफ है, यह है फरवरी की 13 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद बधाइयाँ दी जाती है, अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम बता दें, कम्बियो कोर्स $8.05 है और एरो भैया नेक 5 देर तक हो चला है। तेल का दाम जो सवारी के लिए गौतु के पास ऑन लैदत है 6 देर तक और डीजल है 5 सेसन तक। RBA के पास ऑन लैदत 6 फेयर तक और डीजल का दाम 5 फेयर तक है। अब देखो, जिस चीज़ पर आज यानी कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फाइथ यानी कि ये फाइथ हो चला, बंकरुत हो चला है। इनफैक्ट कहता है नेम 5 ओवर 4 AUS सिम्बोलिस ऑफ ओफ्राकन फाइव सीमेंट आन, बोले $1 में इसको ले लो, अपने हवाले कर लो, वरना तो हम लोग इसको बंकरुत कर देंगे न। तो इसके सिलसिले में बताई जाती है कि शुरुआत में साल 70 में बहुत उम्मीद के साथ जो बनान तेल था सूरीनाम के अंदर बदरेव स्वरलांत, इसको कायम की गई और 2002 में यह फाइथ यानी कि बंकरुत हो गया था। और फिर उसके बाद में इसको शुरुआत फिर से की गई SBBS के नाम से, स्टिक्टिंग बहुत बनान सेक्टर सूरीनाम, और फिलिप दूरी को ये मंजूर नहीं हुआ। मतलब ये है कि इनकी हुकूमत के अंदर ये बदरेव जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। मतलब ये है कि ये कोशिश किया लेकिन फिर भी ये बदरेव कोई उन्नति नहीं कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। और उसके बाद में ये बदरेव उसी तरह से ये छोड़ दिया, यानी बारी 2013 में SBBS जो इन लोगों का यानी कि बहुत से ऐसे नुकसानी हो रहा था, तो ये बल्किस बदरेव इनिफैक्ट अपने हवाले ले लिया, मतलब अपने ऊपर ले लिया इस बदरेव को आगे बढ़ाने के लिए। जो एक खरोत हंदलार है सब्जी तरकारी वगैरह जो होता है फल फलहरी का नेक तक प्रोसेंट, इसका आंदेल इन लोगों की अंदर था, इन लोगों के हाथ में था, और सूरीनाम की सरकार के हाथ में सिर्फ 10% ये बदरेव का था। मुसीबत होने लगा और बहुत सी मुसीबत हुई, सबसे ज़्यादा तौर पर मोकोजिक्त जो है यानी कि बीमारी जो कीड़ा मकोड़ा का है, और बहुत से नुकसानी यहाँ पर हुआ, और नुकसानी के सबब से ये लोग बहुत से नुकसानी भी उठाए हैं। 2003 में एक्सपोर्ट जो है ये लोग नहीं अच्छी तरह से कर पाए, क्योंकि फर पाकिस मटेरियल के लिए नहीं खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाए, और एक बहुत ज़्यादा तौर पर बहुत ज़्यादा हिस्सा में यानी कि जो ओक्स था यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर बनाना ओक्स था, इसको ये लोग को बर्बाद करना पड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पाया फर पाकिस मटेरियल की सबब से। और डायरेक्टर एडुआर्डो मिलेंडेस इससे जो मिनिस्टर एलफीफी का परमेश्वर बहुत से बातचीत की, और द्वारका ये बता रहा है कि यह बातचीत में कोई कामयाबी नहीं हुआ यानी कि कोई नहीं हल नहीं हो पाया। सरकार उन लोगों को $3 मिलियन दिया यानी कि इस काम को फिर से संभालने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, और रेस आरियाल मेरदान 2000 हेक्टार ऑंदर पांत रखकर ये किया क्यों, और ये जमीन पर आगे से बहुत से कर्ज हो चुका था तो इसलिए ये लोग मंजूर नहीं किया। और डायरेक्सी अब देखो चुप्पे से बगैर कोई के जानते हुए बदरेव छोड़कर चला गया, तमाम मजदूर जो है इन लोग की ऊपर जो मुसीबत है ये लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या होगा इन लोगों के साथ, ऑनजी कर रहे जिसे लोग बोलते हैं। और ये सबब है कि इन लोगों का तनख्वाह जो है तो मिनिस्टर इसको मद्देनजर रखते हुए इसको ठीक किया है, मतलब कौनतान पैसा इन लोगों को दिया है जो पैसा इन लोगों को मिलने वाला था। आगे चलकर क्या होगा इस समस्या में हम लोग इंतज़ार करते हैं। और देखो बॉन्ड भी इसमें यानी कि बातचीत कर रहा है और कोशिश कर रहा है इसमें कोई हल लाने के लिए, तो देखो क्या होता है, सरकार $1 में अपने हवाले करता है या नहीं। खवापंद रोप ओवरफॉल एवेंकल तक क्लास करी, चार डाकू लुटेरा जंगल चोर लोग फिर अपना काम कर गए। क्लास करी की इलाका बरको पौधों में ये लोग दिन दोपहरे बप्पा, दिन दोपहरे इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, जैसे कि इन लोगों के बाप वहाँ पर सब चीज़ रखा हुआ है, और जाकर वहाँ पर ये लोग डकैती किए हैं, डाका डाले हैं। जो दुकानदार का जो धर्मपत्नी है न, उनको बहुत मारा पीटा मेसांदल किया, चोरी किया है, और
कितना पैसा कितना चीज लेकर ये लोग फरार हुए अभी पता नहीं है और ये समस्या सिपाही के हवाले है। छानबीन हो रहा कैंटीकन जो है इस मोटरगाड़ी का, तो वो लोग लिख लिए हैं और सिपाही को हवाले कर दिए हैं और इन लोगों को तलाश हो रहा है। और बताई जाती है ओवर फरदाख्तन फॉन द वाहन ऑप्सपोर्ट एंड आन खोदन दो को पकड़ा गया है न इन दारफान इज द बस्तूर्दर फॉन द वाहन ऑप्सपोर्ट एंड आन खोदन, यानी कि जो मोटरगाड़ी चला रहा था उनको सिपाही तलाश करके पकड़ा है और बाकी जो है अभी तक फरार है भाग रहा है। और जो औरत को मिसहैंडल किया ये लोग तो उनको डॉक्टर के पास भेजाना पड़ा इनकी इलाज के लिए औंदर सुख है। और यह शफियर को पकड़ कर यानी कि मोटरगाड़ी बस्तूरा जो है पकड़ कर सिपाही बंद किया है। कोकोस दीप टेरर शेर द ब्यूर्थ, अब देखो भैया चोरी करते करते नारियल को तो पहले कोई पूछता नहीं था, कोरोनी की तरफ अगर आप गुजरे मोटरगाड़ी लेकर तो दाम पे नारियल पड़ा हुआ नजर आता था। अब नारियल में इतना पैसा है कि देखो सिपाही कोरोनी का 34 साल का क्यू एयर को पकड़ा है और पकड़ कर बंद किया कि ये आदमी वहाँ का जितना लोग आसपास में रहते हैं इन लोगों का नारियल चुराता है और बहुत हंगामा करता बहुत मुसीबत इन लोगों को देता है और सिपाही इनको पकड़ कर बंद किया है। मैं लात लीफन ऑफ फाउथफेल्ट यानी कि 66 साल का अकबर अली न 66 साल का अकबर अली ओ मंगर को यानी कि इनको मौत के घाट उतारा गया, मतलब यह है जिंदगी से अपना हाथ धोना पड़ा। और यह है सोना जहां पर लोग निकालते हैं खौतफेल जिसे लोग बोलते हैं ब्रोको पौंदो में। पुलिस से अंदर सुख से पता चलता है कि दत एर स्प्राक एस नतूर लकदौत, मतलब यह है कि आदमी के ऊपर खौतफेल जो लोग खोदते हैं सोना निकालने के लिए तो किसी सबब से ये आदमी वहाँ पर घायल हुई और ये सबब है कि इनका वफात वहाँ पर हुई है क्योंकि इनको अचानक इनका तबीयत ठीक नहीं था, कुछ गड़बड़ हुआ तबीयत में और ये गिर गया और गिरने के बाद ये आदमी दम तोड़ दिया। तो ये जिनका लाश जो है ओबंबार मिनिस्टेरी के पास साथ मिलकर फैसला लिया कि इन लोगों के रिश्तेदार को दे देना चाहिए और रिश्तेदार को दे दिया गया है। ये भी बता दे यौ फरदाख्त फन ऑपलेक्टिंग मार्क्टमिस ब्राइट फन व्हाट्सअप वेलकम इन मैं जोनोखलांत, तो जोनाथन ई एल जो है ना बोले कि सोचे बहुत चलाक आदमी है ता इनका जो फरफालन फोन नंबर है इसका इस्तेमाल किया है ना और नंबर जो इनका था हेत नंबर दत हेत हुवेल हेत नंबर हैम नीत मेर टू बहोर दॉन फिंग है नोक व्हाट्सअप बेरखन फिया हेत नंबर ऑफ जैन मोबिल, जो ये नंबर इनकी नहीं था लेकिन फिर भी व्हाट्सअप के खबरें जो इनको मिलता था तो इससे लोगों को ठगा है। और ये ठगने के बाद एक औरत को न नीदरलैंड से फ्रो नारहा नीदरलैंड वेलकम इन में जोनोकलांत यानी कि ये बात जो लिखा था तो इस पर ये यानी कि विश्वास करके तो इससे कॉन्टैक्ट किया। फन ऑफ द मोमेंट मैं जोनाथन से खैबन फोर खदान अस द नेक्स्ट एंड द फ्रो एन एरो 300, तो बोले कि इस तरह से किया कि जैसे इसका नेक्स्ट है 300 यूरो इनको ठगा है हिर नार पर होक द मन जैन फ्राक दौर एन अपार्ट बद्राफा यूरो 500 तो फ्राकन, तो इस तरह से पैसा मांगा चलता गया क्योंकि जब देखा कि इनको पैसा मिल रहा है तो और पैसा की तलब किया। ऑफिसियर यूस्टिसी मेरा ये फन देख बोले ये सब ये सोच विचार कर किया है इस पैसा ठगने के लिए। और अथफोका जोनाथन न एख्तर वेतन दत है हेथ हेल्थ हाथ खले न बोले ये पैसा ये लेनी किया है कर्ज लिया है यानी कि जो हरकत किया तो इनके यानी ये ठीक काम नहीं है इनकी फायदा में नहीं है। पर फॉल्कन्स अम तनार जो है तो इस आदमी को 3 बार पकड़ा है ये हरकत करते हुए और पहले भी इनको इसी सिलसिले में सजा सुनाई गई रेख्तर मौरिन दयाला, तो ये समस्या को 11 मार्च तक टाल दिया गया है। मिसलुक्त रोफ तक कासीपोरा स्लाख्त ऑफर झील्ड इन सेल इन बॉशाश यानी कि जो जिन लोगों को घायल किया गया लूटा गया है मंगर की रात में मेल्डिंग है कासीपोरा में सिपाही ओंदो सुख किया कि डाकू लुटेरा वहां पर कोशिश किया है मोतगारी क्लेम करके बस्तूर जो इसमें था उनको लूटने के लिए और ये मोटरगाड़ी अपना किसी के आंगन पर लेकर चला गया और वहाँ से निकलकर जंगल में भाग गया, इसीलिए ये डाकू लुटेरा लोग जो कोशिश किया लूटने को तो इनको नहीं लूट पाया। पाकिटो क्रैक टू स्टैमिंग फॉर प्रोटेस्ट आक्सी जरा से बता दें
कि स्टेफानो पकितो बीरफ्लिट, इनको इजाजत मिल गया है डायरेक्टर कैबिनेट की तरफ से, प्रेसिडेंट का जो कैबिनेट है प्रोटेस्ट एक्शन ऑफ अंकल केस प्लान पर करने के लिए, और यह है जनवरी की 17 तारीख आने वाले सोमवार को। और तो साफ जाहिर है कि फरक्यूनिंग इनको भी कमिश्नर्स को देना पड़ेगा इस काम के लिए। और दखबला सूरीनाम से ये बता रहा है कि बहुत सी बदरई भी अपने आप को यहाँ पर यानी कि इसमें अपना सहमत देने के लिए भी बातचीत किए हैं, अपना सहमत देने के लिए इरादा है इन लोगों का, इरादा दिए हैं और ये लोग अपना सहमत देने के लिए इस समस्या में ये लोग भी तैयार है। तो ये अक्सी जो है होकर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है जो टू स्टेमिंग मिला है, इजाजत मिला है, तो मतलब ये है कि शायद अब ये रिकरिंग एनडीपी का जो है, तो ये लोग अब देख रहे महसूस कर रहे हैं कि अब लोग इन लोगों को हकीकत में हद जाना चाहिए। तो देखो अब आगे चलकर क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए, आपके लिए जो अहम है ले लेना, नहीं है तो बप्पा छोड़ देना। आप हरे को रिहिशर सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही और आप भी इंतजार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा मेदाख।